बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने डी ए की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 10 है। बच्चों, दी साइड ऑफ आ ट्राइंगुलर लॉन्ग आर प्रोपोटेशनल। बच्चों, प्रोपोटेशनल का मतलब क्या था? उसने हमें एक ट्राइंगल की साइड दे दी और हमें ये बता दिया ये जो उनकी साइड है ये किसके अंदर है? प्रोपोटेशनल के अंदर है। अगर बच्चों ये तीनों साइड एक प्रोपोटेशनल के अंदर हैं तो हम ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीनों साइड हैं, टू नंबर। बच्चों, इन ये तीनों प्रोपोटेशनल के अंदर साइड हैं, उनके तीनों के नंबर क्या हमारे पास है? 5 है, 12 है और 13 है। तो बच्चों, हम इस तरह लिख देंगे, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 5:12 13। बच्चों, हमें एक ट्राइंगुलर दे दी थी और इन तीनों की जो सी साइड है ना वो किसके अंदर थी? प्रोपोटेशनल के अंदर। प्रोपोटेशन का मतलब क्या है? रेशो के अंदर थी। तो वो तीन नंबर भी हमें बता दिया रेशो के अंदर, वो इक्वल टू इसके इक्वल हैं। तो बच्चों, हमें दी कास्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर। बच्चों, हमें एक फेंसिंग कोई चीज़ हमने क्या करनी है बच्चों? उसकी वैल्यू निकालनी है किसी चीज़ की। लेकिन बच्चों, उसकी जो उनसे 1 मीटर कितने का हमारे पास? 120 रुपए का। और फाइंड करें आल्सो साइड। और बच्चों, इनकी आल्सो साइड मालूम करनी है। फाइंड कास्ट टर्फिंग 25 पैसे पेयर स्क्वेयर मीटर, पर स्क्वेयर मीटर है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे? हमें जाहरी बात है हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? कास्ट ऑफ टर्फिंग फाइंड करनी है। बच्चों, कास्ट ऑफ टर्फिंग फाइंड करनी है तो जाहरी बात है इसकी ट्राइंगल का क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी तीनों साइड होना ज़रूरी है। तो बच्चों, साइड निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर हम कौन सा रूल इख्तियार कर देंगे? के का, के इक्वल कर देंगे। बच्चों, कौन सा रूल लगाएंगे? के का, जो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। हम क्या करेंगे? ए ओवर 5 के पहली रेशो पहले के इक्वल कर देंगे, दूसरी रेशो दूसरे की बटे में कर देंगे 12, और तीसरी रेशो सी ओवर 13 इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे? के बराबर। बच्चों, जब भी हमने थ्री रेशो देखो ना, हमारे तीन वैल्यू के दरमियान रेशो आ जाए तो उस रेशो को हम के तरीके से ख़त्म करते हैं। के का तरीका क्या? हमारे पास ए ओवर 5 कर देंगे, फिर इक्वल टू करेंगे, बी ओवर 12 कर देंगे, फिर सी इज इक्वल टू 13 कर देंगे, बराबर लगा देंगे के। तो बच्चों, यहाँ से हमने क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों, हमारे पास ए ओवर 5 इज इक्वल टू के, क्योंकि ये तीनों वैल्यू के बराबर है, क्या करेंगे? अलहदा अलहदा के बराबर कर देंगे, सी ओवर 13 इज इक्वल टू के। तो बच्चों, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5K आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास 12K आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकालूं तो 13 इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस तरफ जाके बच्चों क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई। तो बच्चों, ये मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? इसका के की वैल्यू हमने निकालनी पड़ती है। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी होती है? के की। बच्चों, इसकी के की वैल्यू हमें पता है रेट ऑफ फेंसिंग किसके है? 2 रुपये पर मीटर है हमारे पास। इसी तरह बच्चों, हमें पता है कास्ट ऑफ फेंसिंग हमारे पास किसके बराबर है? 120 रुपये, 120 रुपये हमारे पास। बच्चों, हमें पता है, हमें ये भी उसने कैलकुलेशन दे दी थी भी जो उनसी फेंसिंग 2 मीटर की कितनी कीमत है उसके पास? है 120 रुपये। हम क्या करेंगे बच्चों? क्या निकाल लेंगे? पैरामीटर। बच्चों, क्या निकाल लेंगे? पैरामीटर निकाल लेंगे।
पैरामीटर कैसे निकालेंगे बच्चों, ये क्योंकि ये मीटर है और ये इतने रुपए की है, तो बच्चों क्या करेंगे, 100 हम 1 मीटर निकाल लेंगे। 1 मीटर का मतलब क्या, हमने पैरामीटर निकाल लेना है उसका, जिसके ऊपर जितना रेट है उसका। हम क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा 60 मीटर के बराबर। तो बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 60 मीटर के बराबर। तो बच्चों हमें पता है पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पैरामीटर। तो पैरामीटर हमने निकाल लिया यहाँ पर 60 मीटर के बराबर है, ए हमारे पास किसके बराबर है 5 के, बी हमारे पास 12 के, सी हमारे पास 13 के इज इक्वल टू 60। तो बच्चों इसको जमा, 12 और 13 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर 25, 25 में 5 जमा करेंगे हमारे पास 30 के आ जाएगा। 60 मीटर के इज इक्वल टू हमारे पास 60 मीटर, 30 मल्टीप्लाई इस तरफ आ गया, 30 डिवाइड हो जाएगा 0 0 के साथ, 3 दूनी 6, के इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 मीटर। अब बच्चों हमने ए की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये 5 इसी तरह, के हमारे पास किसके बराबर है 2 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने बी की वैल्यू निकाल लेनी है, 12 के हमारे पास किसके बराबर है 2 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने सी की वैल्यू निकाल लेनी है, सी हमारे पास 13, के की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर है। तो ए इज इक्वल टू 5 दूनी 10 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 12 दूना 24 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 13 दूना 26 आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास 3 साइड आ गई हैं। अब 3 साइड के, अगर जिस मसलस की हमें 3 साइड दे देगा, हमने उसका क्या फार्मूला लगाना होता है, उसका एरिया मालूम करना है। 3 साइड आ जाए उसके ऊपर हमने कौन सा एरिया का फार्मूला लगाना है, हीरो फार्मूला। तो मसलस एरिया ऑफ ए बी सी, तो वो किसके बराबर, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसके एरिया का फार्मूला ये इसके बराबर है। बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एस। एस हमारे पास किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के बराबर है। तो ए हमारे पास किसके बराबर है, 10 प्लस 24 प्लस 26। तो बच्चों ये ओवर 2 आ गया, 24 और 26 जमा करेंगे 50 और 60, 60 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा एस हमारे पास। तो बच्चों एस हमारे पास आ गया, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, एस हमारे पास किसके बराबर है, एस बच्चों हमारे पास 30 के बराबर है, 30, एस हमारे पास 30 के बराबर, ए हमारे पास 10 के बराबर है। इसी तरह एस हमारे पास 30 के बराबर है, बीस हमारे पास 24 के बराबर है। इसी तरह एस हमारे पास 30 के बराबर है, सी हमारे पास 26 के बराबर है। तो बच्चों ऊपर सारे का जजर, तो ये 30, इसी तरह 30 में से -10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, अब 30 में से -24 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 30 में से -26 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों इनको आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई, 30 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 14,400, ऊपर सारे का जजर। बच्चों इसका हमने जजर भी ले लेना है, तो जजर हमारे पास आ जाएगा 120। तो बच्चों इसका एरिया किसके बराबर आ गया, 120 के बराबर। अब बच्चों हमने इसके ऊपर 120 के ऊपर हमने रेट ऑफ टर्फिंग करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमें यह पता होना टर्फिंग हमारे पास किसके बराबर है, शारिया 25 पैसे। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये रेट ऑफ टर्फिंग है हमारे पास, और रे कास्ट ऑफ टर्फिंग, कास्ट ऑफ टर्फिंग हमारे पास किसके बराबर, कास्ट ऑफ टर्फिंग हमने मालूम करनी है। तो बच्चों ये 0.25 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों ये एरिया के साथ,
120। तो बच्चों ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे अशारिया 25, तो हमारे पास आ जाएगा 30। बच्चों किसके बराबर आ गया, एक साइड के ऊपर बच्चों कितना हमारे पास 300 रुपये खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा 300 रुपये। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। अगर बच्चों मैं इसकी, ये था बच्चों हमारा फाइनल। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।